हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडीसी लेवल 2 के मार्क्स के बारे में। सभी को पता होगा कि अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि यूडीसी लेवल 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुका है, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। सो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका सेलेक्ट हो चुका है। सो ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ अंक से वो पीछे रह गए। तो आप ये रिटर्न टेस्ट मार्क्स अभी अपलोड कर दिया गया है लेवल 2 का ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना अंक पीछे रह गया और जिनका सिलेक्शन हुआ उनका कितना मार्क्स आया है और आपको आ देंगे और कितनी मेहनत करनी है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। सो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा रिटर्न टेस्ट पर लेवल 2 मार्क्स पर, तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप ये जो PDF है, देख सकते हैं आप मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द लेवल 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ UDC हेल्ड ऑन 8/3/2020, 8 मार्च 2020 को जो हुआ था उसका मार्क्स यहाँ पे दे दिया गया है लेवल 2 का। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे पूरा आप स्क्रॉल कर लेंगे तो आप अपना नाम यहाँ खोज सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है सारे के सारे नाम यहाँ पे दे दिया गया, उनके कैटेगरी, नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा देख के साथ आप चेक कर सकते हैं कितना मार्क्स आया है। चाहे उनका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आप कितने अंक से पीछे रह गए। सिंपली आपको ये PDF डाउनलोड कर लेना है और देन आपको यहाँ पे आ जाना है और चेक कर लेना अपना नाम। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। 26 पेजेस की ये PDF है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे ले जाकर स्टूडेंट की संख्या दिखा देता हूँ। टोटल ऑलमोस्ट 700 के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने UDC लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था। सो आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं नाम। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, टोटल 715 स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम दिया गया है और जिनका मार्क्स यहाँ पे हर एक का मार्क्स दे दिया गया है। सो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप कितने अंक से पीछे रह गए हैं, कि आपको और कितनी मेहनत करनी है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये लिस्ट भी यहाँ अपलोड कर दिया गया है, देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, तो 10 पोस्ट थे अलग अलग कैटेगरी में। UR के लिए 2 था, देख सकते हैं 12,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, 12,466। 9 तारीख को आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था, 9 फरवरी को, और लेवल 1 में 4,286 कैंडिडेट्स अपियर किए थे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 12,000 के आसपास स्टूडेंट हैं और उनमें से अपियर सिर्फ 4200 के आसपास स्टूडेंट ने किया था। सो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लेवल 2 फिर आपका नेक्स्ट मंथ ही कंडक्ट हुआ था 8 मार्च को, जो सभी ने दिया होगा। देन देख सकते हैं आप यहाँ पे लेवल 2 में कंडक्ट में आपका 715 स्टूडेंट यहाँ पे किए थे जिन्होंने आपका एग्ज़ाम दिया है। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट थे 785। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है, अब उनकी सिचुएशन हो सकती कुछ भी। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर अभी जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया था लेवल 2 के बाद, मतलब कि लेवल 2 के बाद आपका जो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो 23 लोगों को बुलाया गया था जिसमें से 21 लोगों ने अटेंड किया था। अभी जैसा कि सिचुएशन है तो बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाए होंगे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है। सो यहाँ पे और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी दिया गया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिनका भी मेन लिस्ट में नाम है उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, उनको आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, और जिनका आपका वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए एक बात यहाँ पर लिखा गया है जो आप पढ़ सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो ये तो मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट 2 पे, द वेट लिस्ट शैल बी ऑपरेटेड ओनली इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैकेंसी कॉज्ड बाय नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। सो जो कैंडिडेट आपका मेन लिस्ट में, वो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर किसी रीजन से वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर अगर वो रिज़ाइन कर देते या ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में जो है उनको यहाँ पे जॉब ऑफर कर दिया जाएगा। और ये डेट स्टार्ट होगा 24/9/2020 से, मतलब यहाँ से 1 साल। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 साल वो चीज़ है, और फिर अगर आपका यहाँ पे कोई नया रिक्रूटमेंट नोटिफाई कर दिया गया सो आप वो ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगा। अगर नोटिफाई नहीं किया गया है सो आपको मिल सकता है अगर कोई छोड़ दे तो। सो ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई जॉब छोड़े। तो आप यहाँ पर मेनली मेरा दिखाने का मतलब यही था कि जो जिन्होंने भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है वो चेक कर ले अपने मार्क्स कि उनका कितना मार्क्स आया है, क्योंकि सभी ने एग्ज़ाम दिया है और सभी ने फ़ी पे किया है, तो एग्ज़ाम में उनका कितना मार्क्स आया है ये जानना ज़रूरी है कि वो कितने नंबर से पीछे है, उन्हें और कितनी मेहनत करनी है। सो आप जल्द से जल्द अपना मार्क्स चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं और
साथ ही साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।